हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लीटर का इस्तेमाल बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी नापने के लिए कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाएं देखेंगे। भोला अपनी एक लीटर की बोतल को लेकर इतना उत्साहित है कि वो उस बोतल के बारे में बताने के लिए आज बब्बन के स्टॉल पर आया है। भोला ने बब्बन को बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी लीटर में नापने के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि किस तरह गोलू ने उसे वो एक लीटर की बोतल दी। बब्बन ने भोला से उसकी बोतल देखने के लिए मांगी। अरे ये क्या हुआ, भोला के हाथ से बोतल फिसल कर जमीन पर गिर गई और टूट गई। भोला और बब्बन दोनों उदास हो गए। बब्बन ने भोला से कहा कि क्यों ना वो दोनों गोलू के पास चलकर अपने अपने लिए एक एक लीटर की बोतलें ले लें। भोला और बब्बन गोलू के पास पहुंच गए। उन्होंने गोलू को उस बोतल के टूटने की पूरी कहानी सुना दी और अपने लिए एक एक लीटर की बोतलें मांगी, लेकिन गोलू के पास केवल एक ही एक लीटर की बोतल है। उसने बब्बन को वो एक लीटर की बोतल दे दी और भोला को एक जग दे दिया। भोला ने गोलू से तुरंत कहा, ये क्या गोलू, तुमने मुझे एक लीटर की बोतल की जगह ये जग दे दिया। बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी तो हम केवल एक लीटर की बोतल से ही नाप सकते हैं ना। बच्चों, क्या भोला की कही बात सच है? गोलू हंस पड़ा। उसने भोला से वो जग लिया और अपने एक लीटर के दूध नापने के पैमाने को दूध से भरकर उस जग में उड़ेल दिया। जग पूरी तरह से दूध से भर गया। गोलू ने भोला को समझाया, देखो भोला, ये जग पूरी तरह से एक लीटर दूध से भर गया, इसका मतलब क्या है? भोला ने तुरंत जवाब दिया, इसका मतलब इस जग की क्षमता कैपेसिटी एक लीटर है। भोला गोलू की बात समझ गया। बच्चों, याद रहे, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक लीटर की बोतल की क्षमता कैपेसिटी ही एक लीटर है। अलग अलग तरह और आकार के बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी एक समान हो सकती है। जैसे यहां बोतल और जग दोनों की क्षमता कैपेसिटी एक लीटर है। आइए इसे और भी बर्तनों पर आजमा कर देखें। हम इस एक लीटर की बोतल से इस पतीले में पानी भरकर देखें तो पाएंगे कि पतीला इस एक लीटर की बोतल से पूरी तरह भर गया और बोतल भी खाली हो गई। इस तरह इस पतीले की क्षमता कितने लीटर हुई? बिल्कुल ठीक, एक लीटर। अब क्या हम इस पतीले के पानी से इस मटके को भर सकते हैं? आइए देखें। अरे वाह, पतीले के एक लीटर पानी से मटका पूरी तरह भर गया। इसका मतलब इस मटके की क्षमता भी एक लीटर ही है।
बच्चों आपने देखा किस तरह भले ही ये बर्तन अलग अलग हैं और इनके आकार भी अलग अलग हैं, इन सभी की क्षमता एक लीटर ही है। भोला और बब्बन ने गोलू को धन्यवाद कहा और अपनी बोतल और जग लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। बच्चों इस वीडियो में हमने लीटर का इस्तेमाल बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी नापने के लिए कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाएं देखीं।